रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जमात दिवम। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना छुट्टियों का काम खुशखत करके लिख रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज तारीख है 18 अगस्त 2020, दिन मंगल, सबक नंबर 10। अब क्या करूं? इसके तदरीसी मकासद हैं तलफ़ुज़ दुरुस्त करवाना, इखलाकी सबक देना, ज़खीरा अल्फाज बढ़ाना। प्यारे बच्चों, अब हम इसकी पढ़ाई करेंगे। सबक अब क्या करूं? इसके ख़ास अल्फाज हैं घबरा जाना, इल्ज़ाम, ख्याल, बावर्ची खाना, डांट। अब हम इसकी पढ़ाई शुरू करेंगे। राशिद घर वालों से छुपकर शरबत पी रहा था, अचानक घर के बाहर से अम्मी की आवाज़ आई। राशिद, दरवाज़ा खोलो। राशिद चौंक गया, उसके हाथ से शरबत का जग छूट कर गिरा और टूट गया। राशिद घबरा गया, उसने सोचा कि शीशे के टुकड़ों को छुपा देता हूँ, इस तरह अम्मी की डांट से बच जाऊँगा। प्यारे बच्चों, मैंने जो आपको सबक पढ़ाया है उसमें से मैंने अल्फाज के मानी, यहाँ पर आपने खुशखत लिखने हैं। अल्फाज, मानी, इल्ज़ाम, झूठी बात, बावर्ची खाना, खाना पकाने की जगह, सच सच, बिल्कुल सच, फ़ख्र, वरूर। आपने इसके मानी याद भी करने हैं और यहाँ पर लिखने भी हैं। आगे दुरुस्त जवाब पर दायरा बनाएं। राशिद ने क्या तोड़ा था? प्याली, ग्लास, जग। वो छुपकर क्या पी रहा था? शरबत, चाय, पानी। क्या पी रहा था? शरबत। आपने शरबत पर दायरा बनाना है। राशिद ने क्या फैसला किया? सच बोलने का, छुप जाने का, भाई पर इल्ज़ाम लगाने का? सच बोलने का। राशिद ने किसे सारी बात बताई? बहन को, अम्मी को, अब्बू को, अम्मी को। प्यारे बच्चों, आपने दुरुस्त जवाब पर दायरा बनाएं, ये काम करना है और आखिर में अपने वालदैन के दस्तखत करवाने हैं। अल्लाह हाफिज़।